हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर दुबे। मैं आज आप लोगों को होम्योपैथी के पल्सेटिलर मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। एंड तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कि जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और आप लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आप लोग कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पल्सेटिला मेडिसिन एक पॉलीकास्ट मेडिसिन है, मीन्स ये बहुत सारे डिजीज़ों में काम करती है। और पल्सेटिला को जानने के लिए सबसे पहले इसके मेंटल स्टेटस को जानना बहुत ज़रूरी है। पल्सेटिला मेडिसिन जनरली फीमेल रेमेडी बोल के जाना जाता है, या प्यूबर्टी एज में जब आते हैं लड़कियां, उस समय बहुत अच्छा ये पल्सेटिला मेडिसिन काम करती है। पर ऐसा नहीं है कि ये पुरुषों में काम नहीं करती है। पुरुषों में अगर इनडाइजेशन का प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक ट्रबल लेके आते हैं तो उसमें बहुत अच्छा पल्सेटिला काम करती है। तो जो मैं कह रही थी कि पल्सेटिला का सबसे पहले मेंटल स्टेटस को जानना बहुत ज़रूरी है। पल्सेटिला मेडिसिन बहुत मूडी होते हैं, इन मतलब आप भी हंसते हुए बात कर रहे होते होंगे तो अचानक से उसके मूड चेंज हो जाता है। अगर कुछ भी थोड़ी सी बातें हुई तो उसको रोना शुरू कर देते हैं, या थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें। रोने वाला कैरेक्टर तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है कि वो पेशेंट आके जब तक मतलब कोई भी कंप्लेंट होता है वो रोते रोते ही अपनी कंप्लेंट को बता पाता है, बिना रोए वो अपना कंप्लेंट बता ही नहीं पाता है। बहुत चेंजेबल भी होते हैं, मेंटल भी बहुत चेंजेबल होते हैं और फिजिकली भी बहुत चेंज होते हैं इसके सारे सिम्टम्स। जैसे अगर आप भी बोल रहे होते हैं कि सर में दर्द हो रहा था तो थोड़ी देर बाद बता दें कि नहीं उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो मेंटल सिम्टम भी बहुत चेंजेबल होते हैं और फिजिकल सिम्टम्स भी बहुत चेंजेबल होते हैं। और पल्सेटिला के पेशेंट बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सरल सीधे होते हैं, ये बहुत मिलनसार होते हैं। इनके बच्चे भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। लेडी भी जो होती है, फीमेल पेशेंट भी होते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, या थोड़े भी प्रॉब्लम कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो उसके साथ वो एडजस्ट करना जानते हैं, बहुत एडजस्ट कर लेते हैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को। इस तरह के उनके मेंटल सिम्टम होते हैं। इसके जो ज़्यादातर मैंने जो बोला पहले भी बोला आप लोगों को कि ये प्यूबर्टी स्टेज में बहुत अच्छा काम करता है। प्यूबर्टी स्टेज मीन्स जब एक लड़की का फर्स्ट उसका पीरियड शुरू होते हैं, मतलब 13-14 के एज में, मीन्स जो मेनार्की होते हैं, मेनार्की वाला जो बोलते हैं कि जिसका पहला मेंस जब आते हैं तो उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं, जैसे पेट में दर्द होते हैं या फिर उसके लेट आते हैं, लेट पीरियड शुरू होते हैं, जिस एज में होना चाहिए उस एज में नहीं होते हैं। जैसे 13-14 के एज का होना चाहिए वो वाले, कभी कभी ऐसे देखा जाता है लड़कियों में वो 15-16 तक का एज में चला जाता है। उसकी मदर आके बोलती है कि अभी तक उसके पीरियड्स नहीं आए हैं। तो ऐसे में भी पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करता है। उसके उस एज में बहुत समय पिंपल्स, एक्ने भी फेस में अगर आते हैं तो ऐसे में उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है पल्सेटिला का। ऐसे में अगर वो पीरियड डिलेड पीरियड वाले होते हैं तो उसे पल्सेटिला 200 आप वीक में एक बार 4 ड्रॉप्स करके दे दीजिए 3-4 महीने तक। देखिए उसके जो वो डिलेड पीरियड का जो प्रॉब्लम्स है वो चले जाएंगे, जल्दी फिर से नॉर्मल साइकिल उसका चालू हो जाएगा।
अच्छा, इसके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं पल्सेटिला के पेशेंट में। गैस्ट्रिक ट्रबल मीन्स अगर केक पेस्ट्री खाया या मैदे का कुछ खाना खाया या कहीं पार्टी वगैरह में थोड़ा सा रिच खाना खाया तो उसको इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके प्यास बहुत कम होते हैं, पल्सेटिला पेशेंट के पूरा मुँह बहुत ड्राई होता है लेकिन फिर भी इसको प्यास बिल्कुल नहीं लगता है, पानी पीना ही नहीं चाहता है वो, अपने मन से तो पानी पीता ही नहीं है पल्सेटिला का पेशेंट। पल्सेटिला के जो मैंने बोला कि फीमेल में भी ऐसा होता है कि जो डेट उनको होना होता है पीरियड के, उस डेट में उसका पीरियड नहीं आता है। अगर 25 का डेट है तो वो डिले होके वो 30 तक चला जाता है। फिर वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो जनरली येलोइज और ग्रीनिश टाइप के होते हैं और बहुत समय यूरिनरी ट्रैक में भी बहुत समय इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आप अगर उसको पल्सेटिला 30 4 ड्रॉप्स करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 10-15 दिन देने से देखिए एकदम नॉर्मल आ जाएगा, सब कुछ नॉर्मल होने लगेंगे। अच्छा, इसके बहुत समय ना जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको अगर आप जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं उस समय अगर आप ये पल्सेटिला 30 मेडिसिन देना शुरू करें तो बहुत समय देखा जाता है, बहुत समय क्या सचमुच देखा भी गया है हम लोगों को, पेशेंट बहुत हम लोगों ने देख पेशेंट को देखी भी देखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कि उसके जो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत अच्छे से उसके जो प्रसव का टाइम जो होता है बहुत अच्छे से निकल जाता है, पेन ज़्यादा नहीं होता है, बहुत आराम से उसका डिलीवरी हो जाती है। तो जो लास्ट के 3 मंथ्स है उस 3 मंथ्स में आप अगर पल्सेटिला मेडिसिन देते हैं तो बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आता है। तो पल्सेटिला मेडिसिन के जानने के लिए मैंने पहले ही बोला कि फर्स्ट ऑफ उसका मूड जानना जरूरी होता है, उसका प्यास नहीं होते हैं और ये जनरली फीमेल में बहुत अच्छा काम करता है, प्यूबर्टी स्टेज में बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे अगर आप उसका आपको पेशेंट मिलते हैं तो आप उसमें पल्सेटिला यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तब तक बाय बाय।